हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसके तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2022 का। इसमें कोई भी 10th पास, 12th पास, सभी के सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 53 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है और सारे के सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सारे फ्रेशर इसमें एलिजिबल है और कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है, जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो। ठीक है, उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ और कुछ छोटे बड़े अपडेट आते हैं एग्जाम से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड, सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर दिखाता हूँ किस बैंक की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चंद्रपुर अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, इसके तरफ से वैकेंसी आया हुआ जो कि एक कोऑपरेटिव बैंक की तरह ही काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं बैंकिंग क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा आगे रहने वाली ये बैंक है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं चंद्रपुर, नागपुर, यवतमाल, राड़ेगांव, पांडरकवड़ा, अमरावती, राजूरा, गढ़चांदूर, वनी, वरोरा, हिंगनघाट, उमरेड़, धामनगांव और जितने भी विदर्भ, महाराष्ट्र विदर्भ की जितने भी ब्रांचेस है उन्हीं के लिए वैकेंसी आया हुआ है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है, बट ऑल ओवर इंडिया के भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पे स्पेशल मैंडेटरी नहीं है कि ओनली महाराष्ट्र के ही अप्लाई कर पाएंगे, बट यस, महाराष्ट्र वालों को जो है बेनिफिट तो मिलेगा ही। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं शाखा व्यवस्थापक 10 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें आपके पास MBA या MCOM या ग्रेजुएशन होना, इसी के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना अप्लाई कर सकते, 10 पोस्ट का वैकेंसी है। उसके बाद सहायक अधिकारी, ठीक है, इसमें 10 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते। अगर आपको बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सारे के सारे फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगला पोस्ट है लिपिक, इसके लिए 20 पोस्ट का वैकेंसी है, मतलब क्लर्क के लिए। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है प्रेफरेंस दिया जाएगा, फ्रेशर इसमें एलिजिबल है। अगला पोस्ट है सिपाही, 10 पोस्ट का वैकेंसी, 10 पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है वाहन चालक, इसके लिए 3 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, 10th पास होना और आपके पास लाइसेंस होना, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे या जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे उनको अपना बायोडाटा, दैट इज रिज्यूमे, और जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अपने फोटो के साथ जो नीचे दिया गया एड्रेस है, इस पे 10 दिन के अंदर अंदर सेंड करना है। इसका मतलब आज 19 तारीख है, 29 नवंबर तक आपको जो है इस एड्रेस पे सेंड करना है बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट है, आपको सेंड करना है, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। चंद्रपुर अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, सदाशिव चैम्बर्स, अभय टॉकीज जवड़, बालवीर वार्ड, चंद्रपुर 442401, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, अपना बायोडाटा और जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी प्लस फोटो के साथ। ठीक है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल जानकारी पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप ईमेल आईडी पे भी ईमेल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो विद इन फ्यू डेज अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए तो ही आपको इंटरव्यू या आपको एग्जाम देने को मिलेगा, तो उसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आपको सक्सेसफुली जॉब मिल जाएगी बिना कोई पैसे खर्च किए। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई एज लिमिट नहीं दिया गया है, तो आप अप्लाई करिए, शॉर्टलिस्टेड होंगे तो आपको डेफिनेटली कॉल मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सो यही आपको अपडेट देना था, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।